प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के दौरे पर थे। अयोध्या के दौरे के दौरान उन्होंने रोड शो किया। रोड शो से पहले भगवान रामलला के मंदिर में दर्शन पूजन किया और उसका आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद ही उन्होंने रोड शो की शुरुआत की। लगभग 2.5 घंटे तक उन्होंने रोड शो किया। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह लता मंगेशकर चौक पर वो रोड शो का समापन हुआ। और हमारे साथ कई अयोध्यावासी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि रोड शो के दौरान क्या क्या किस तरीके स्वागत किए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, तो किस तरीके के स्वागत किए गए उनके। मोदी जी जब आए और राम जी के सामने जब दंडवत हुए तो उन्होंने अपने पलकों से श्री राम जी के चरणों को प्रणाम किया। इससे यह प्रतीत होता है कि वो हनुमान जी के स्वरूप हैं, क्योंकि ऐसी सेवा अगर कोई कर सकता है तो वो हनुमान जी कर सकते हैं। रोड शो के दौरान यहाँ आए, चूँकि यहाँ के राजा हनुमान हैं और राजा रामचंद्र जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद हनुमान जी वैसे भी राजा यहाँ के थे, तो जब वहाँ रोड शो शुरू हुआ तो योगी जी और मोदी जी का जो स्वागत हुआ वो राम और हनुमान के तरीके हुआ। आप देख रहे थे जगह जगह उनकी आरती उतारी जा रही थी, जगह जगह पुष्प वर्षा किया जा रहा था, जगह जगह महिलाएं जो है एकदम आंखों में उनके भावुकता से उनके आंसू आ गए, इस तरीके से जैसे वो अपने मतलब जो उनकी आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम, प्रभु हनुमान जी महाराज, तो जैसे ऐसे लगता है कि उनके भगवान उनके सामने खड़े हों, इस तरीके से महिलाएं कुछ भावुक हो गईं। और आपने देखा होगा क्योंकि एबीपी न्यूज़ ने सब कुछ कवर किया है, तो वहाँ से जहाँ से रोड शो शुरू हुआ लता मंगेशकर चौक तक, यहाँ पे मोदी जी, योगी जी और यहाँ के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी, तीनों लोगों का भव्य स्वागत हुआ। और तीनों लोगों के का जो है, तीनों यहाँ के आस्था, यहाँ के लोग हैं, वो तीनों लोग को मन और दिल में बसा चुके हैं। कह रहे हैं कि मन और दिल में बसा चुके हैं लल्लू सिंह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया है, तो कितना माना जाए अयोध्या सीट कितनी मजबूत होगी। अयोध्या पूरी मजबूत है, सब लोग 100%, अब की बार 400 पार, 4.5 लाख अयोध्या से लल्लू सिंह की विजय होगी जी। 4.5 लाख लल्लू सिंह विजय होंगे, बिल्कुल विजय होंगे, बिल्कुल विजय होंगे, 4.5 लाख एकदम जी विजयी, उन्हीं की विजय होगी। चलो भाई जी, रोड शो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, 400 पार, 400 पार, जय श्री राम, 400 पार। इसी हनुमान जी के गदा से 400 पार होगा, 4.5 लाख वोट से जीतेंगे सांसद। कितनी मजबूत सीट मानी जा रही? बहुत मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान आपने कैसा देखा? बहुत अच्छा, जो भी व्यवस्था की है बहुत अच्छा की है, हम बहुत खुश हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बहुत खुश हैं। कितनी कठिनाइयां भी लोगों को झेलनी पड़ी? अरे तो क्या हुआ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, हाँ। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, आ गए आ गए। देखिए राम भक्तों में किस तरह से उत्साह है, अयोध्या वासियों में किस तरह से उत्साह है, लोगों का ये भी कहना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो समाप्त हुआ। इस दौरान जो राम भक्त थे, रामलला का दर्शन पूजन करने आए थे श्रद्धालु, उनको भी कई समस्याएं हुई, लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री रामलला का मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद से अयोध्या का विकास कितनी तेजी के साथ हुआ है, अयोध्यावासी भी कितने उत्साहित हैं, किस तरह से अयोध्या का व्यापार बढ़ा है, उसी को लेकर के अयोध्यावासियों में उत्साह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2.5 घंटे तक की रोड शो किया, और रोड शो के दौरान तमाम जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया, कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह मौजूद रहे, और लोगों ने जबरदस्त उत्साह देखा गया है, और लल्लू सिंह के समर्थन में जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया है, और लोगों का ये भी कहना है कि अयोध्या से लोकसभा में एक बार फिर लल्लू सिंह की जीत होगी। दीक्षित के साथ अयोध्या।